नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज़। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि इस चैनल पर रेवाड़ी जुड़ी बड़ी खबरें मिलती रोजाना, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना कभी ना बोले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की। तो इस प्रकार से है रेवाड़ी की बड़ी खबरें। आज तारीख हो चुकी है 14 मार्च 2021, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शाम 5:07 तक रहेगी, उसके बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के। इस प्रकार से है, अनियंत्रित डंपर डिवाइडर पर चढ़ा, रात को ट्रैफिक कम होने से बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि जो शुक्रवार की रात को नारनौल की तरफ से आया एक क्रेशर से भरा एक डंपर डिवाइडर पर चढ़ गया। हालांकि ये गनीमत रही कि रात के समय ट्रैफिक कम होने की वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और बड़ा हादसा टल गया। दिन भर डंपर डिवाइडर में ही फंसा रहा, जिसके कारण जाम की स्थिति भी बनी रही है। इससे पहले भी ओवरलोड डंपरों की वजह से नायवाली चौक पर कई हादसे हो चुके हैं। क्रेडिट कार्ड का पिन बनाते समय आई कॉल, मोबाइल हैकर 49,000 रुपये के ट्रांसफ़र। आपको बता दें कि जो बैंक से बनवाए क्रेडिट कार्ड का पिन नंबर बनाते समय आई एक कॉल के बाद ग्राहक का मोबाइल ही हैक हो गया। इसके बाद साथियों ने उनके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स हासिल करके उससे 49,000 रुपये की ट्रांजेक्शन भी कर ली। तत्पश्चात बैंक में कॉल तो ग्राहक को अपनी साथ हुई घटना का पता चला, जिसके बाद साइबर थाना पुलिस को मामले की शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है। ट्राला की टक्कर से खंडौरा में ट्रांसफर और पोल गिरे, किसान आंदोलन की वजह से पिछले 3 माह से भी अधिक से समय बंद दिल्ली जयपुर राजमार्ग के कारण भारी वाहन चालक गांवों के रास्ते से आ रहे हैं। इसी के चलते शुक्रवार को गांव खंडौरा में एक ट्राला की टक्कर से बिजली का ट्रांसफर एवं पोल क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने ट्राला चालक को मौके पर पकड़ लिया, सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार कर लिया है। युवती का रिश्ता करने पर हथियार के बल पर उठा ले जाने की धमकी देने के मामले में दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि सदर थाना पुलिस ने एक गांव में युवती का रिश्ता तय करने पर अपने दोस्त के साथ घर जाकर हथियार के बल पर अपहरण कर ले जाने की धमकी देने के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कई आरोपी की पहचान भोतावास के बोंदु गांव निवासी के रूप में हुई है। आज उप प्रधान का फैसला आ सकता है। कि बता दें कि गुड़गांव के होटल में भेजे पार्षद गए थे, आज लौटते ही मंत्री गुज्जर बताएंगे कि कौन होगा उप प्रधान। रेवाड़ी, अलवर और किशनगढ़ अजमेर शहर के किशनगढ़ स्टेशन पर लगने थे एक्सीलेटर, लेकिन योजना अब फिर ढीली पड़ती नजर आ रही है। रेल की तरफ से रेवाड़ी सहित राजस्थान के अलवर एवं किशनगढ़ स्टेशन पर प्रस्तावित इन एक्सीलेटर की प्रक्रिया पूरी करने के बाद भी अभी फाइल का पेंडिंग में डाल दिया गया है। ऐसे में स्टेशन पर लगने वाले एक्सीलेटर के लिए अभी और अधिक इंतजार करना पड़ेगा। अगर ये एक्सीलेटर आ जाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, किसी को चढ़ने में परेशानी होती है तो वो एक्सीलेटर पर जो स्वचालित सीढ़ियाँ होती है उसको एक्सीलेटर कहते हैं, उसके ऊपर आराम से चढ़कर ऊपर यहाँ वहाँ जा सकते हैं। पाली गांव में जो कई दिनों से चल रहा था कि अंडरपास बनाने के लिए जो आंदोलन कह सकते हैं या जो हड़ताल पर बैठे थे, वो अब जो सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल है वो उनसे जाकर मिले और कहा कि अंडरपास की जो प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू होगी। ढाबा के मालिक से पिस्तौल के बल पर मारपीट कर नकदी छीनने का आरोपी गिरफ्तार। पौल थाना पुलिस ने पिस्तौल दिखाकर ढाबा संचालक से मारपीट करके पैसे छीनने की वारदात में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार गए आरोपी की पहचान गांव झाबा निवासी के रूप में हुई है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इसी समय। देखते रहे हमारे चैनल को, देखना न भूले। धन्यवाद।